हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्टडी आपकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं 2020 के लिए, तो हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए ईजी होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पैरासाइट। पैरासाइट फिल्म है, साउथ कोरियन फिल्म है, बड़ी ही अच्छी फिल्म है और इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, ठीक है, तो ध्यान रखें। आगे देखते हैं, आगे बात करें दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यहाँ पर जोकिन फिनिक्स, जोकिन फिनिक्स ने जीता है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ठीक है, कौन है, जोकिन फिनिक्स, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता। ऑप्शन बी रेनी जेलवेगर। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो रेनी जेलवेगर ने जीता है ये अवार्ड, और इससे पहले मैं बाफ्टा अवार्ड लेके आ चुका हूँ दोस्तों, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको मैंने क्वेश्चन कराया था, वहाँ पर भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी वेलगर थी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वहाँ पर कौन थे, जोकिन फिनिक्स थे, तो वो भी मैं कवर करा चुका हूँ पहले ही। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों बात करें ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म का अवार्ड किसने जीता। ऑप्शन ए पैरासाइट, जैसा कि मैंने बताया साउथ कोरियन फिल्म है ये, तो गैर अंग्रेजी भाषा का भी फिल्म का अवार्ड भी किसने जीता, पैरासाइट ने जीता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें। पैरासाइट आपको कई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है, याद कर लीजिए। आगे दोस्तों बात करें ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड किसने जीता। ऑप्शन सी ब्रैड पिट ने। देखिए, सहायक अभिनेता की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो स्पोर्टिंग एक्टर जो है वो अवार्ड जीता है ब्रैड पिट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑस्कर 2020 में ब्रैड पिट को किस फिल्म के लिए सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला। ऑप्शन सी वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड। देखिए, ब्रैड पिट ने अवार्ड जीता है सहायक अभिनेता का, और वो किस फिल्म के लिए जीता है, वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड, जैसे यहाँ पर था ना वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, ठीक है ना, सुल्तान मिर्जा वाली, ऐसी वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड ये पिक्चर थी जिसके लिए स्पोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता ब्रैड पिट ने। आगे दोस्तों अगर बात करें तो ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, लारा डर ने। किसने जीता, लारा डर ने जीता है सहायक अभिनेत्री का अवार्ड स्पोर्टिंग एक्ट्रेस का, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों बात करें ऑस्कर अवार्ड 2020 में लारा डर्न को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन ए मैरिज स्टोरी, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है सहायक अभिनेत्री का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैरिज स्टोरी फिल्म बड़ी अच्छी है, ठीक है, देखना जरूर अगर टाइम मिले तो। आगे बात करें दोस्तों, ऑस्कर 2020 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी बनी है। ऑप्शन सी अमेरिकन फैक्ट्री, अमेरिकन फैक्ट्री है ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री बन गई है, ठीक है, इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है थोड़ा घुमा के, ये बराक ओबामा के प्रोडक्शन हाउस में ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, बराक ओबामा वही हैं जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्शन में ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है अमेरिकन फैक्ट्री, ठीक है, तो ध्यान रखोगे। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों बात करें ऑस्कर 2020 में लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म को का अवार्ड किसने जीता है। ऑप्शन सी पड़ोसी की खिड़की, ये मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, वैसे इंग्लिश में है ये द नेबर्स विंडो, ठीक है, द नेबर्स विंडो है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का जिसने अवार्ड जीता है ऑस्कर 2020 में। आगे देखते हैं, आगे बात करें दोस्तों ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी बनी है। ऑप्शन सी टॉय स्टोरी 4, एनिमेटेड फीचर फिल्म अगर पूछी जाए आपके लिए तो टॉय स्टोरी 4 है जो एनिमेटेड फीचर फिल्म बनी है। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों बात करें तो ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म कौन सी बनी है, तो एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म बनी है ऑप्शन ए हेयर लव, कौन सी बनी है, हेयर लव बनी है, शॉर्ट फिल्म है एनिमेटेड की, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए वो एनिमेटेड फीचर फिल्म थी, ठीक है, लव टॉय स्टोरी 4 और यहाँ पर है सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म हेयर लव। आगे दोस्तों बात करें ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड किसे मिला है। ऑप्शन ए रोजर डिकिंस को, किसको मिला है, रोजर डिकिंस को मिला है सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड, ठीक है, तो यार ये कौन सी पिक्चर के लिए मिला है, 1917 पिक्चर के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है, एक बार सारा जितने भी हमने क्वेश्चन किए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था ऑस्कर अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो ये मिला है दोस्तों पैरासाइट को, ठीक है, ध्यान रखोगे।
अगर दोस्तों बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला, तो ये जोकिन फिनिक्स को मिला है, ठीक है। आगे अगर दोस्तों बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है, तो रेनी जेलवेगर को मिला है, ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर दोस्तों अगर बात करें तो ऑस्कर 2020 सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है पैरासाइट को, ठीक है, ध्यान रखोगे। आगे दोस्तों बात करें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है ब्रैड पिट को, ठीक है, ध्यान रखोगे। आगे दोस्तों ब्रैड पिट को किस फिल्म के लिए सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला, तो ये है वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड में। आगे दोस्तों बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है, तो लारा डर्न को मिला है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों बात करें तो ऑस्कर 2020 में लारा डर्न को किस फिल्म के लिए सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, तो ये मिला है दोस्तों मैरिज स्टोरी के लिए, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात करें दोस्तों बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी बनी है, अमेरिकन फैक्ट्री बनी है, बराक ओबामा की प्रोडक्शन है ये, ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर दोस्तों बात करें लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, तो ये पड़ोसी की खिड़की द नेबर्स विंडो ने जीता है ये अवार्ड। अगर बात करें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म ये बनी है टॉय स्टोरी 4, कौन सी बनी है एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 4, ध्यान रखना। अगर दोस्तों बात करें तो सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म कौन सी बनी है, तो ये बनी है हेयर लव, कौन सी बनी है शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड हेयर लव। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है रोजर डिकिंस को मिला है, ठीक है। तो ये मैंने ऑस्कर अवार्ड के जितने बढ़िया क्वेश्चन थे वो आपको करा दिए हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को लें सब्सक्राइब, और जो भाई हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।